बहुत अच्छी है, प्योर लव स्टोरी है और कई सालों के बाद ऐसी पिक्चर आई है। तबू और अजय सर की केमिस्ट्री काफी पसंद किए लोग। हाँ, काफी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी। और ये नए दोनों छोटे छोटे बच्चे वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मांजरेकर भी बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा की है। म्यूजिक डायरेक्शन कैसे लगा? अच्छा लगा। ऐसे भी मैं तो नीरज पांडे की सभी पिक्चर देखती हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है। 4.5 यार एवरेज फिल्म है। फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकंड हाफ बहुत बोरिंग है, बार बार एक एक सीन रिपीट करना बस ठीक है। और जुबिन की आवाज़ बस चलता रहती, जुबिन का गाना चलता रहता है, वही बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे बस। सीक्वेंस यार कुछ सीक्वेंस अच्छी है और अजय सर की और तबू की केमिस्ट्री पहले भी पसंद, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी स्टोरी स्लो है। यार ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि लोगों को क्यों देखने आना चाहिए, लेकिन ओके बस 2.5। अच्छी फिल्म है, पक्या का कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा, मुझे उसी में दम लगा पक्या में। अजय सर की तो बात लाइक वो बहुत पुराने हैं और उनको तो बहुत हमने देखा है, जो हम लोग देखने आए थे मतलब होता है ना कि कुछ नए टैलेंट्स और इसकी हम बात करते हैं, अभी लग रहा है कि कुछ इंडस्ट्री में कुछ नया सा कुछ आया है देखेंगे। हाँ उसी बात करें, हार्दिक सोनी अच्छा है, बंदे में एक पोटेंशियल लग रहा है और आगे एक दो प्रोजेक्ट के बाद लगेगा कोई इंडस्ट्री में आया। डायरेक्शन लाइक नीरज पांडे से जो था मतलब वैसे ही तो नहीं है, कुछ ओल्ड टाइप की स्टोरी है, बट म्यूजिक और ये सब 2.5। थैंक यू। अब सेलेब जैसा फील हो रहा है मुझे। यस बताइए। औरों में कहा दम था देखी मैंने और काफ़ी अच्छी फिल्म है। जैसे कि बहुत सालों पहले अजय सर की एक मूवी आई थी हम दिल दे चुके सनम, उसमें डायलॉग है कि उसने तो प्यार करना सिखाया लेकिन अजय सर का जो कहे उसने निभाना सिखाया, तो इस फिल्म में भी आज की जनरेशन जो है जेन जी जनरेशन या मिलेनियल्स भी उनको सीखना चाहिए कि हाउ टू लव समवन। और इसमें मेरा दोस्त था जो कैमरा एक बार मारिए एक बार इन पे तो वो इस फिल्म में थे, तो ऑफ कोर्स उसका मज़ा और ही बढ़ गया था उनको देखने। यस हाँ प्लीज भाई हार्दिक द स्टार। जी इसमें मेरा जो पकिया का कैरेक्टर है वो मैंने प्ले किया है और मुझे तो लगता है कि फिल्म देखनी चाहिए सबको टू फाइंड आउट कि इन्होंने क्या किया है, बहुत ही लाजवाब काम किया है और मज़ा आ गया क्योंकि हमारा दोस्त हमें स्क्रीन पे दिख रहा था इतनी बड़ी स्क्रीन पे, तो सबको देखना चाहिए इनका कैरेक्टर, ऐसे हम रिवील नहीं कर सकते, काफ़ी बढ़िया काम किया है, प्यारा काम किया, आपको जाके खुद देखना चाहिए। वही वो जो इतने दिनों से जो उनको मिस कर रहे थे, उनकी जोड़ी को मिस कर रहे थे, वो आपके सामने आएगी और आपकी तबीयत फिर खुश हो जाती है। उनकी बाकमाल जोड़ी जब आपके सामने आती है तो आंखों में आंसू और आपको सुकून देकर जाती है दिल में। सही और शांतनु कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल के ह्यूमन बींग्स हैं, तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना एज ए पर्सन और एज एन एक्टर, बहुत ही कमाल का रहा उनके साथ, यही कहूँगा। मतलब म्यूज़िक में तो कोई आप सवाल ही नहीं उठा सकते, ना डायरेक्शन में सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इतने कमाल के दो लिविंग लीजेंड्स इसमें म्यूज़िक कर रहे हैं और नीरज सर इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है वहाँ पे। तो 4.5 आउट ऑफ 5 4। यस थैंक यू। नहीं दोस्त है यार हमारा, बहुत पुराना दोस्त हमारे साथ की है पहली फिल्म। हम औरों में कहाँ दम देख के आ रहे हैं, औरों में कहाँ दम था देख के आ रहे हैं, और बढ़िया फिल्म है, अच्छी लव स्टोरी है और सस्पेंस भी है थोड़ा, नीरज पांडे का भी फ्लेवर उसमें दिखता है थोड़ा बहुत,
बाकी अजय देवगन और तब्बू हैं वो 14 साल बाद साथ में आ रहे, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। और उनकी पुरानी फिल्में भी देखी हैं तो केमिस्ट्री उनकी बड़ी अच्छी। दोबारा बोलना पड़ेगा क्या फिर? अरे हमारे नहीं है तो कोई बात नहीं, टेक देते। बढ़िया फिल्म है, बढ़िया है, लव स्टोरी है, सस्पेंस भी है। नीरज पांडे का जो स्टाइल है फिल्म बनाने का वो भी दिखता है उसमें, और आपको फिल्म देखते हुए ही पता चलता है कि हाँ कुछ तो सस्पेंस आएगा, और आप एक्सपेक्ट भी करते हो उनसे, और वो रहता भी है उनका लव स्टोरी। उन्होंने नई ट्राई की है तो अच्छा किया उन्होंने काम। और क्लाइमैक्स थोड़ा सरप्राइजिंग है, मतलब दो तीन बार आप रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब अच्छा स्क्रीन प्ले कह सकते हैं। उसने एक्टर दिखे हैं जैसे पक्या का कैरेक्टर है हार्दिक सोनी ने किया है, वो बड़ा अच्छा निकल के आता है कैरेक्टर। बाकी शांतनु ने, साही ने, उन्होंने अच्छा काम किया है। और अजय देवगन और जो तब्बू हैं उनके तो फैन है बचपन से, उनको देख ही रहे हैं। देखिए एक तो ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है उसका, मतलब स्क्रीन प्ले जो है वो बड़ा सही से दिखाया हाँ। गया है, ऐसा सिर्फ लीनियर नहीं है मतलब हाँ। तो वो अच्छा लगता है आपको देखने में। और लास्ट में जब सस्पेंस आपका रिवील होता है फिल्म का तो भी आपको एक अच्छी फील आती है, गाने बड़े अच्छे हैं। और तब दो तीन बार एंड हो रहा है फिल्म का, मतलब वही आपको लगता है कि अभी खत्म होने वाली है, पर एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट आता है फिर उसके बाद। और बाकी तब्बू और अजय देवगन तो आएंगे, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है स्क्रीन पर। डायरेक्शन हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन अच्छा है उसमें, स्क्रीन प्ले अच्छा है, जैसे लीनियर है कहानी, एक लीनियर है पर उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले महाराजा फिल्म आई थी तो उसका भी जिस तरीके से एक कहानी लीनियर थी पर उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था वैसा ही कुछ इसमें भी है, तो आप देख सकते हो, अच्छा लगेगा, फैमिली के साथ आ सकते हो। फाइव में से हम थ्री एंड हाफ देना चाहेंगे। थैंक यू। बोरो में कहाँ दम था, अजय देवगन में अभी भी दम है, और उसने इस पिक्चर के माध्यम से दिखा दिया कि अजय देवगन अजय देवगन है। तब्बू की केमिस्ट्री, पिक्चराइजेशन, सच्चा प्यार, ये सब बहुत दिन बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली। ऐसा क्या है जो लोगों को देखने आना चाहिए? देखिए प्यार 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 पर लाखों हजारों गाने सुने, सब कुछ देखे, सच्चा प्यार को क्या होता है। ये पहले राज कपूर का पिक्चर आता था, मैं फिर एक दूजे के लिए आया, वो सब सच्चा प्यार था, और इसमें फिर ये मॉडर्न ज़माने में सच्चा प्यार बताया, और एक आदमी अपना दाव, करियर, जिंदगी सब सच्चे प्यार के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कुर्बान कर देता है, ये बहुत बड़ी बात है। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने याद रहे वैसे नहीं है, लेकिन जब पिक्चराइजेशन होता है तब उसमें एक एक वर्ड जो है ना मतलब वाला वर्ड है, एक एक वर्ड का मतलब है, बहुत बढ़िया। 100% आनी चाहिए ऐसी पिक्चर, तो लोगों को बहुत पसंद आनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये पिक्चर में सेंटीमेंट्स बहुत है, डायलॉग्स बहुत है जो दिल को टच करते हैं, आँख में आंसू लाते हैं। मेरे हिसाब से तो इतनी अच्छी मूवी है, देखिए प्योर वेज बोलते हैं ना, प्योर वेज पिक्चर आजकल तो बनती नहीं है, ये बनी है, तो 5 में 5 ही मेरे हिसाब से बनते। धन्यवाद। हम लोग अभी जस्ट, हमारे साथ में जो मेरे कलीग हैं वो खुद भी इसमें एक्टिंग कर रहे थे, और हम लोग पूरा फ्रेंड सर्कल साथ में देख के आए, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छी मूवी है। पहली बार मतलब ऐसा लगा है कि सारे यूथ जो है, उससे यूथ से लेके सीनियर सिटीजन से लेके सब लोग ऑडियंस वहाँ पे बैठी थी, हर एक एज ग्रुप के ऑडियंस वहाँ पे अवेलेबल थी, और सभी लोग इन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ेदार मूवी है, बहुत अच्छा लगा। जो स्टोरी टेलिंग है वो स्टोरी टेलिंग एक नए तरीके से दिखाई गई है, ऑडियंस को बहुत पहली बार एक अच्छा पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि अलग तरीके का जो डायरेक्शन है सर का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसे पुट किया गया। स्टोरी टेलिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप इन्जॉय करेंगे उसको। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टोरी टेलिंग में जब ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, अजय देवगन सर का जो कैरेक्टर है, तब्बू मैम का जो कैरेक्टर है, और हमारे जो कलीग हैं साथ में जिन्होंने पक्या का एक रोल किया है, उनका जो कैरेक्टर है, वो जो ग्राफ उन्होंने दिखाया है, वो जो डेवलपमेंट स्टोरी में पता चलता है, वो देख के आपको समझ में आता है कि हाँ इसके पीछे बहुत मेहनत डायरेक्शन में हो, एक्टिंग में हो, वो दिखती है और वो पता चलती है। ये मेरे को भी जस्ट पता चला है कि उनकी शायद 10th मूवी है दोनों एक साथ में जो कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो वो हर मूवी के साथ में वो पता चलता है आपको कि वो ग्राफ जो है, वो केमिस्ट्री जो है, वो बॉन्डिंग जो है, वो हर मूवी के साथ में ग्रो होते जा रही है, और ये मूवी में भी उनकी जो केमिस्ट्री है, लव स्टोरी जो लव एंगल उनका दिखाया गया, वो बहुत अच्छा है, बहुत देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। वो
बिल्कुल बननी चाहिए यार, आज के ज़माने में जो ये एक फैमिली ड्रामा है, जो मतलब सारी फैमिली आप इसको फैमिली के साथ में जाके देख सकते हो और अपनी पूरी फैमिली के साथ में इसको बहुत एंटरटेन करोगे, बहुत इन्जॉय करोगे, ये वैसी वाली मूवी है।